अभी हम लोग अभी निकल रहे हैं गंगा सागर देखने। मैं इतने साल से यहाँ पे हूँ लेकिन मैं कभी भी नहीं गई हूँ। गंगा सागर कैसा होता है कभी देखा भी नहीं, कुछ नहीं पता, तो इसीलिए कोई प्लान नहीं था। सडन अचानक से सो के उठे थे, ठीक से फ्रेश भी नहीं हुए थे एंड चाय भी नहीं पिया और हम लोग निकल गए। तो वीडियो आज बनाना नहीं था लेकिन सोची गंगा सागर का तो बहुत इंपॉर्टेंस होता है ना, तो इसलिए मैं सोची चलो वीडियो ही बना लेती हूँ और आप लोग के साथ भी शेयर कर देती हूँ। और ये रहा आंटी, जब तक हाथ में मेहंदी रहेगा ना दो तीन वीडियो तक मैं दिखाती हूँ। और धूप की वजह से मेरा आँख भी नहीं खुल रहा है और देख पा रहे बिल्कुल, देख के लग रहा है ना बिल्कुल फ्रेश भी नहीं हुआ है, कुछ नहीं, एकदम सुबह सुबह का टाइम है एंड बहुत दूर है गंगा सागर यहाँ से। मैप के हिसाब से हम लोग को पता भी नहीं है कैसे, भी नहीं पिया बिना ऐसे ही जा रही हूँ, लिपस्टिक भी नहीं लगाया, पता होता लिपस्टिक तो लगा लेती थोड़ा। तो बहुत दूर है गंगा सागर यहाँ से, कोई आइडिया नहीं है कैसे क्या है। मैप के हिसाब से जा रहे हैं हम लोग, मैप लगा के जा रहे हैं, तो जो होगा सारा कुछ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, क्योंकि मैं सिर्फ इसलिए वीडियो बना रही हूँ कि गंगा सागर का एक बहुत इंपॉर्टेंस है ना। और नहाने गंगा नहाने नहीं जा रहे, गंगा सागर नहाने नहीं जा रहे, देखने जा रहे दूर से कि कैसा होता है, और कुछ नहीं, बिना प्रिपरेशन का बिना किसी प्लानिंग का नहीं पता है कब पहुंचूंगी, कैसे पहुंचूंगी, क्या दिखा पाऊंगी, वहां तक पहुंच पाऊंगी कि नहीं, कुछ भी आइडिया नहीं है। तो जैसा होगा सारा कुछ आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और अब मैं फोन को बैग में रख देती हूँ, वहां पहुंच के आप लोगों से मिलती हूँ। गाड़ी पे बैठ बैठ के बुरी हालत हो गई है, बैठा नहीं जा रहा, लग रहा है हालत खराब हो गई है, इसलिए थोड़ी देर बाइक को रुका के और बाइक से उतरे हैं, पर बैठा ही नहीं जा रहा था। और ये देखिए दूर दूर तक कुछ भी नहीं है, अच्छा भी लग रहा है। और फ़ोन में रोमिंग क्यों दिखा रहा है, लग रहा है ऐसे कहीं और चले आए, कोलकाता के बाहर आ गए, रोमिंग दिखा रहा है। तो चलिए अब दो मिनट के लिए, अब बाल की हालत देखो, दो मिनट के लिए जस्ट उतरे थे क्योंकि नहीं बैठा जा रहा था, एकदम बैठा नहीं जा रहा था, बाबू परेशान हो गया था। अब फिर चलते हैं हम लोग, आगे का सफ़र तय करते हैं। चलिए चलिए, हो गया, बहुत दूर है, अभी बहुत दूर जाना है, फिर आना भी आते आते रात हो जाएगी। चलो चलो आ जाओ, ये देखो इतना सारा खेत, फ्रेश फ्रेश एयर, फ्रेश फ्रेश माहौल। चलिए चल बेटा, अपने आँख ही नहीं खुल रहा धूप से, अच्छा लगा ना डर के थोड़ा सा, ठीक लगा, अच्छा लगा, थोड़ा सा ब्रेक हो गया। और चाय नहीं पिला अभी तक आपने, चाय के बिना मुझसे रहा नहीं जा रहा अभी तक, फिर सुबह से चाय भी नहीं पी हूँ। अब नेक्स्ट जब चाय का मिलेगा दुकान, रुक के पहले चाय पिएंगे। चाय नहीं पिया मतलब मेरी अभी मॉर्निंग अभी तक नहीं हुई है, चाय के बिना मेरा अब गुड मॉर्निंग नहीं होता है। चलो ना बाबा, दो घंटे और है अभी, अभी दो घंटे और है, बाप रे बाप, दो घंटे चल के आ गए, अभी भी दो घंटे और है, हेलमेट पहनो और चलो। पीछे कहीं पे भी चाय का दुकान नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला, अब बुरी हालत हो गई है, एकदम सर में दर्द हो रहा है चल चल के, और सुबह से चाय भी नहीं पिया था ना। फाइनली एक छोटा सा दुकान है, छोटा सा, अंदर पूरा अंधेरा हो रखा है, अंदर में नहीं जाऊंगी, यहीं पे एक कप चाय मंगवा रही हूँ, पी लेते हैं। एंड अभी और बहुत चलना है, अभी 50 किलोमीटर 40-50 किलोमीटर और है।
सुकून मिला। चलो तो चाय तो मिला, चाय अच्छा नहीं था लेकिन जैसा भी था चाय था ना। चलो जा, हम लोग अभी गंगा सागर पहुंच गए हैं, वो देखिए। वेलकम टू गंगा सागर मेला 2022। यस, तो अब जो है हम लोग गंगा सागर में एंट्री कर चुके हैं। वेलकम टू गंगा सागर मेला 2022। ओके, चलिए इधर से हम लोग एंट्री करते हैं। चलिए पास से चल के दिखाते हैं। ये वो नदी पार करना पड़ता। यहाँ से नदी पार करके फिर कहाँ जाते हैं? मंदिर है। अच्छा, तो पहुँच चुके हैं हम लोग गंगा सागर। और मुझे बहुत ज़्यादा कुछ नॉलेज नहीं है कि यही है गंगा सागर ना, मतलब बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं मुझे। मेरे हस्बैंड जैसे से बता रहे हैं, मैं आप लोगों को बता रही हूँ। उन्होंने बताया कि कहीं और जाते हैं पूजा करने, कहीं मंदिर है तो वही मैं बता रही हूँ। मुझे ज़्यादा कुछ नॉलेज नहीं है। एंड फाइनली पहुँच चुके हैं इधर, और देखते हैं अब क्या है इधर। कुछ भी तो नहीं है। अम्मा, उस साइड सब लोग ये लगाते हैं। कहाँ? वहाँ पे सब लोग डुबकी लगाते हैं। अच्छा, ये नहीं है मेन? अब मैं इसी को मेन समझ रही। चलिए फिर कैसे जाते हैं उधर? बोट से जाना पड़ेगा। अच्छा, और उधर फिर बहुत लोग होंगे। मतलब बोलते हैं गंगा सागर का मेला कहाँ है फिर? कुछ तो ऐसा दिख नहीं रहा है। क्या क्या कागजी? यहाँ प्लेटफॉर्म, यहाँ लोग रुकता है, यहाँ से यही बोट पकड़ करके जाता है। तो जहाँ जाएंगे वहाँ पे क्या होगा? सब लोग ऐसे ही नहाते होंगे उधर, यही ना? अच्छा पापा, सुनिए ना पापा, वो पानी में मछली है। यहाँ रोड से जाने का उपाय नहीं है, सीधा आती है बोट से। सिर्फ बोट से ही है, खुद से नहीं जा सकते। अच्छा, तो मैं आप लोगों को बता रही थी कि यही गंगा सागर है, यही मेन नहीं। मैं बोली ना, मुझे बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है, कुछ भी नॉलेज नहीं है यहाँ के लिए। इन्होंने बताया कि यहाँ से फिर आधा घंटा लगता है, कहीं उस पार कहीं जाते हैं बोट से, और वहाँ पर सब लोग नहाते हैं। वही तो सोची, इधर कोई है क्यों नहीं? कुछ भी नहीं है, खाली खाली क्यों लग रहा है? बहुत मुश्किल है भाई, इतना ईजी नहीं है। यहाँ से हम दूसरे पार जाएंगे और बोट से फिर कहीं जाना है, और वहाँ से फिर 30 किलोमीटर और अलग जाना है। गाड़ी लेके जाना है। हमारा बाइक है, हम बाइक क्या करें, तो बाइक से जाएंगे। और बाइक का 9 ये लगेगा, 9 टिकट। पता नहीं यार, बहुत लफड़ा है, इतना इजी नहीं है। तो हम लोग अब यहाँ से जा रहे हैं बोट वाला जगह पे। यहाँ पे है टिकट काउंटर, यहाँ से हम लोग टिकट लेंगे। एंड बाइक से आने का ये प्रॉब्लम होता है, एक बाइक का 9 टिकट लेना पड़ेगा, 9 टिकट। एंड वैसे हम लोग 3 आदमी हैं, तो 12 टिकट लेना होगा हमें। है 3 आदमी लेकिन टिकट 12 लेना होगा, क्योंकि बाइक का जो टिकट है ना, वो एक बाइक का 9 टिकट होता है। तो चलिए टिकट ले लेते हैं, क्या हुआ। तो चलिए, ये रहा हमारा टिकट, ये बाइक का है और ये हमारा है। और अब चलते हैं, ये है उस पार जाने का रास्ता। ये पता है मम्मा, बहुत डेंजरस रास्ता है, थोड़ा सा भी बिगड़ा तो पानी में सीधा जाएगा। ले, इसी पे जाना है ना, ये जो लगी हुई है। ठीक से उतरना जाना। इसमें जाना है हमें। हम लोग जो है अपने स्टीमर पे, बोट पे जो भी है बैठ गए हैं। बैठे नहीं है, खड़े हो गए। अब एकदम काली काली लग रही है, मुझे कुछ पता नहीं चल। हाँ, खुल गया। चलो, हमारा भी जो बोट है, स्टीमर है, वो खुल गया है। बाबू पिजन को खिला रहा है। थोड़ा ऊंचा करके, पानी में नहीं फेंकना, ऊंचा करके फेंकना है बेटा। ऐसे ऐसे उड़ा के फेंकना है, इस तरीके से।
ये देखो पापा कैसे फेंक रहे हैं, ये देखो आ रहा है पीछे, ये देखो आया आया, ये देखो आ गया ना, वाह खाने के लिए कैसे आ रहा है देखो, किसी को खाने नहीं देना है, ज्यादा नहीं था ना इसलिए कोई ज्यादा नहीं खा, ये देखो कैसे पानी में सब बैठ रहा है, ये देखो ये देखो और आया, इस तरीके से उड़ा के फेंकना चाहिए कितना अच्छा लग रहा है देखो, ऐसे उड़ा के फेंकना बेटा, ऐसे इस तरीके से इस तरीके से इस तरीके से, ये देखो कितना सारा आ गया, आपको फेंकना नहीं आता, बस बस हो गया हो गया, फिर अंदर ही घुस गया हो गया हो गया, ये देखो कितना सारा, सब लोगों को समझ में आ गया कि यही खाना, माय गॉड देख 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 कितना सारा आया, ये बाबा एक और ले ले, एक और लेके फेंके, हाँ मैं एक और लेके फेंके, नहीं अभी नहीं बस बहुत हो गया, देखो वो आंटी दे रही है, देखो पानी में भी घुस जा रहा है, बत्तक है, बर्ड्स नहीं है। अच्छा इसको हम तब से पिजन बोल रहे हैं, पिजन नहीं है ये, ये राम सॉरी सॉरी मैं तब से पिजन पिजन कर रही हूँ यार, ये पिजन नहीं है, ये बाबा देखो ये देखो अच्छा तो हम लोग पहुँच चुके हैं यहाँ पे, ये रहा गेट, ये देखिए वो जो गेट है ना वही है, पहुँच चुके हैं अब उतरते हैं यहाँ से, पापा बहुत क्राउड है यार, साइड हो जा बेटा, पापा को आने दे बाइक लेके, नमक वाला इधर से ही हम लोग जाएंगे उस पार, थोड़ा सा वो पहले बाइक उतार लेंगे ना, इसी से हम लोग आए, पहले वो बाइक उतार लेते हैं फिर हम लोग इस पार जाएंगे पुल से होकर, देखो कितना भीड़ है यार उस साइड तो कुछ था ही नहीं, ये रहा भीड़ गंगा सागर का, और अभी से हमें अभी कम से कम कितना घंटा चलना पड़े, कितना मिनट चलना पड़ेगा दादा, आधा घंटा अभी हमें और चलना पड़ेगा तब जाकर के हम मेन जगह पे पहुंचेंगे है ना, तो चलिए आधा घंटा बाइक से चलेंगे, उसके बाद रात में ज़्यादा अच्छा लगेगा, देख रहे कितना ऐसे बलून से सजाया हुआ है ना लाइट वेट, रात ही हो जाएगा ना जाते जाते, ये सब लोग पैदल उधर ही जा रहे हैं, और ये देखो सजा के रखा है, कल मकर संक्रांति था ना कल परसों, तो देखो ये सजा के रखा है, और चलते हैं हम लोग अब आधा घंटा तक तो बाइक पे चलना है, उसके बाद फिर वहाँ मिलते हैं, टू सागर आइलैंड, और अब हम लोग पहुंच गए हैं इस पार गंगा सागर के, एंड बस एंट्री कर गए हैं, चलिए और देखो उधर सनसेट भी हो रहा है, सनसेट भी हो रहा है, ये रहा मंदिर, आई थिंक ये वाला मंदिर है ना, तो चलिए पहले नदी देख के आते हैं हम लोग, इधर गेट नंबर 2 इधर से ही है, उन्होंने बताया कि इधर से नदी है, तो पहले नदी देख के आते हैं उसके बाद फिर मंदिर का दर्शन करेंगे, तो ये छोटा मोटा दुकान सब है देखो, बहुत इंतजार था फाइनली पहुंच गए, इतना मुश्किलों के बाद, काफी मुश्किलों के बाद पहुंचे, अच्छा ये गंगा जल यहाँ से ले लेंगे क्या, एक बोतल लेके गंगा जल भी ले लेंगे, एक बोतल को तो करे, हाँ को तो करे 30 टका 30 रुपए मैं लेके जाता हूँ, चाहिए
ये बोतल ले लिया हमने, इसमें गंगाजल भर के घर लेके जाएंगे। हाँ। यहाँ आना बड़े नसीब की बात है यार, यहाँ का गंगाजल मिल जाए कितना बड़ी बात है। और ये है हमारी गंगा सागर, गंगा माता है, गंगा मैया। मैं ऐसे जगह पे आके ना पता नहीं क्यों इमोशनल हो जाती हूँ, कोई भी भगवान वाला जगह ऐसा कुछ भी होता है ना, वहाँ पे आके मैं इमोशनल हो जाती हूँ, मुझे रोना आने लगता है। सुनते हैं यहाँ पे आकर के नहाने से ना सारा पाप धुल जाता है। संभाल के मुझको बहुत अच्छा लग रहा है, मुझको काम रहा है। भगवान जितना भी गुनाह, जितना भी पाप किया, जितना भी गलती किया, बस हो गया, छोड़ दीजिए अब। चलो हो गया, आजा आजा बेटा, मुझे डर लग रहा है, चलो आ जाओ, हाथ मेरा हाथ पकड़ो, चलो बस आइए, चलिए जाइए पापा के पास जाइए, बस 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 हो गया, अब छिड़क लीजिए, छिड़क लीजिए। हाँ यस, गंगा माता से ये करिए प्रार्थना करिए भगवान। हाँ सने यहीं से, हे गंगा माता हमने जो भी गलती की है माफ कर दीजिए, ठीक है कर लिए। आ जाओ पानी भर रहा है, आ जाओ, चलो पैर धो करके जूता पहनो, बहुत दूर जाना है, आ जा आ जा, चलो आ जा। मजा आ गया। तो चलिए फाइनली गंगा सागर का दर्शन हो गया, ये रहा, और आप लोग के साथ भी मैंने शेयर किया सब कुछ। और शाम हो गई है, देख रहे हैं ना, थोड़ा थोड़ा अंधेरा जैसे होने लग गया है। ये रहा, बस कहते हैं ना कि एक बार गंगा सागर में जरूर आना चाहिए, जरूर नहाना चाहिए। नहाई तो नहीं हूँ मैं, ऐसे थोड़ा पानी छिड़क लिया है, एंड बस यही क्या बोलते हैं ना, इधर आकर के नहाने से सारे पाप धुल जाते हैं, सारे लोग बोलते हैं ना, बस यही कहूँगी कि भगवान जो भी गलती हुआ है सबको माफ कर दे। और क्या बोल सकते हैं, माफी तो रोज मांगते हैं भगवान से। कि तो ये रहा गंगा सागर, आप लोग भी देख लो, ये देखो, हाँ कितना अच्छा लग रहा है ना। और ये बहुत किस्मत की बात है, मैं बहुत ये फील कर रही हूँ कि मैं गंगा सागर देख पाई। आजा बेटा, चलिए अभी यहाँ से निकलते हैं, और बाल का मुंह का हाल देखो, कपड़े खिलाओ, चलिए अभी यहाँ से निकलते हैं हम लोग, और देख लीजिए गंगा सागर का दर्शन कर लीजिए। ये पैर में तो मिट्टी लग गया यार, मिट्टी लग गया, फिर आएंगे तो के फिर मिट्टी लग जाएगा। हाँ बस मैं थोड़ा सा ऐसे उंगली पे चल के जा रही हूँ, उतरती हूँ सिंदूर यहाँ से, लेते गंगा सागर का सिंदूर। Thank you.
ये मरून वाला है हाँ। रेड वाला है ना ये वाला मैरून कलर ये वाला उससे हल्की बड़ा लाल पल का था अच्छा नहीं हमको लाल दे दीजिए लाल देना ये वाला चाहे वो वाला चाहे तीनों वाला इसमें वो थी कौन सा ज्यादा अच्छा लाल है ना कौन सा ये वाली ना ये वाला दे दीजिए हाँ दे दीजिए 10 ग्राम दे दीजिए कौन वाला लेना ये वाली है एक ये चंदन भी दे दीजिए एक दे दीजिए ये मंदिर और ये है मंदिर के अंदर का दर्शन कर लीजिए भगवान जी लोगों का दर्शन कर लीजिए मंदिर के अंदर का सीन है। चलो यहाँ से हम लोग प्रसाद भी ले रहे हैं हमने लिया है मुरब्बा चूड़ा मुकुंदाना और बस और वो माला दे दीजिए ये प्रसाद हो गया हमारा। चलिए भगवान जी का भी हमने एक ले लिया है रख लीजिए उसमें अंदर रख लीजिए मंदिर का भी दर्शन कर लिए आप लोग को भी करवा दिए और अब फटाफट से चलते हैं हम लोग उस पार जाने में 1 घंटे लगेंगे बाइक से 45 मिनट और उसके बाद फिर 1 घंटा बोट पे और उसके तब जा करके उस पार जाएंगे और उस पार जाने के बाद से फिर हम अपना घर जाने में कम से कम चार घंटे बहुत टाइम लगने वाला है अब और देरी नहीं करते फटाफट से चलते हैं। ये रहा सारा कुछ दिखा दिया आप लोगों को और अब निकलते हैं चलिए अच्छा ये रेडी है खड़ा है ना इसी से जाएंगे हम लोग हमारा बोट अभी खुल गया है बोट या सिप जो भी है ना बेटा और इतनी ठंडी लग रही है ना ये उड़ रहा है ठंडी तो लगेगी ना समुद्र के अभी बीच पे और अभी ऐसे ही अभी 1 घंटा तक बोट पे रहना है बहुत तेज ठंडी हो तो अच्छा हुआ कि स्टॉल हमने ले लिया था मैंने ले लिया था चलो अब उस पार पहुँचने में 1 घंटा लगेगा बहुत तेज ठंडी है यार हेलमेट पहन के बैठे हैं फिर वहाँ से 4 घंटे अरे पूछो मत अभी घर पहुँचते पहुँचते 12 बजेंगे घर जब पहुँचूंगी ना 12 से ज़्यादा हो जाएंगे लेकिन 12 से पहले नहीं पहुँचूंगी और चलिए इस बार फाइनली हम लोग पहुँच गए ये रहा गेट 45 मिनट का ये हाँ 45 मिनट लगे हैं और वो रहा गेट ठीक से उतरना बेटा चलिए उतर गए हम लोग चलो अभी तो चलो अब यहाँ से एक नया जर्नी स्टार्ट और ये है सुनसान काला अंधेरा रास्ता जहाँ दूर दूर तक ना कोई गाड़ी है ना लाइट है ना कोई इंसान है और मुझे इतना डर लग रहा है ना मेरा सीना धक धक कर रहा है रात कब है ना तो अभी तो गाड़ी मिल जाएगी एक दो जैसे रात बढ़ेगी ना सुनसान और ज़्यादा बढ़ जाएगा देख रहे कितना अंधेरा काला एकदम बस अच्छे से घर पहुँच जाए यार मेरा ना सीना धक धक कर रहा है डर से मुझे एकदम अजीब लग रहा है बस भगवान का नाम ले रही हूँ मैं नहीं डर से ठंडा से नहीं ठंड तो लगी रही है डर भी बहुत लग रही है अब भगवान करे ना ऐसे ही एक दो गाड़ी आते रहे बीच बीच में ताकि डर ना लगे ठंड ऊपर से लग रही है डर अंदर देखो कैसा काला अंधेरा है यार बस फटाफट से घर हम पहुंच जाए बहुत जोर की सर्दी लग रही है बहुत ज़्यादा इतना तेज हवा है ना अभी हम लोग कोलकाता के बाहर ही है ना जाना कोलकाता में एंटर किए कि नहीं अभी भी हम लोग कोलकाता में एंटर नहीं किए यार देखिए इतना का
काली अंधेरी रात है यार। फिर बोलने में लगता है कोलकाता के अंदर, अभी हम कोलकाता के बाहर है। अभी भी हम लोग कोलकाता के बाहर ही है, कोलकाता में एंटर नहीं किया, और मुझे बहुत डर लग रहा है। बस भगवान हमारे साथ रहे। ये आईडीस है ना, और अब हम फाइनली अपने घर के पास पहुंच गए। हाय रे, ये हमारा गांगुली बगान, तो आपने तरस गए थे देखने के लिए। तो फाइनली घर में हम लोग पहुंच गए हैं। 117 किलोमीटर जाने में और 117 किलोमीटर आने में, मतलब 234 किलोमीटर कंटिन्यू बाइक पे बैठ के, बाइक का सफ़र करके एंड फाइनली घर में आ गए हैं। एंड ये बिल्कुल आइडिया नहीं था ना कि इतना दूर है। आइडिया तो था, उधर हम लोग ऐसा पागलपन पहले भी किए हैं, अचानक से बिना प्लान, जैसे आज था ना कि ऐसे ही सो के उठे और ऐसे ही कुछ भी नहीं, फ्रेश भी नहीं हुए थे, कुछ भी नहीं, जैसे थे वैसे निकल गए थे। ऐसा ही पागलपन थी पहले भी, एक बार एक कुछ साल पहले किए थे, बौखाली चले गए थे। बौखाली बहुत दूर है, इससे भी ज़्यादा दूर है, तो पता था कि दूर है, बट इतनी सर्दी, वैसे भी मकर संक्रांति के बाद से सर्दी बढ़ गई है, इतनी सर्दी, और सोच के जाते हैं ना, प्लान करके जाते तो थोड़ा सा जैकेट वगैरह अच्छा थोड़ा पहन वहन के जाते हैं ना, ताकि सर्दी ना लगे इतना दूर। और उसके बाद हम लोग पहली बार गए हैं ना वहाँ गंगा सागर में, पहली बार देखने गए हैं, तो जहाँ पे गए थे मतलब फर्स्ट में जहाँ गए थे वहाँ वो मेन नहीं था, वहाँ से फिर दूसरे जगह गए, तो वो सब जाने में भी बहुत टाइम लग गया, तो इसलिए बहुत ज़्यादा दूर है, बहुत ज़्यादा दूर। आते टाइम इतना डर लग रहा था, एकदम सुनसान, मुझे तो जाते टाइम दोपहर में ही डर लग रहा था, एकदम सुनसान रास्ता था, बहुत दूर दूर तक ना कोई घर, ना कोई इंसान, ना कोई गाड़ी, ना ट्रैफिक, क्या हुआ जा कुछ। हम लोग 15 आवर घूम के आए हैं, 15 घंटे से कंटिन्यू गाड़ी बाइक पे, मतलब लग रहा है ना बैठा ही नहीं जा रहा है, बुरा से भी बुरा हाल हो गया। और देख रहे हो शकल, आज पूरा वीडियो ऐसे ही गंदा वाला शकल लेकर पूरा यहाँ से लेकर के गंगा सागर तक ऐसे ही चली गई, ऐसे गंदा वाला शकल लेकर, और पूरा वीडियो मेकअप ना करो फिर भी चलता है, वो अलग बात होता है। लेकिन ये तो ऐसा है ना, मैं फेस भी नहीं धोई थी, मतलब तो सो के उठते हैं तो फेस को पानी से धोते हैं, वो भी नहीं धोई थी, बिकॉज सर्दी के दिन में से फेस, जब सुबह जस्ट उठी तो थी, जस्ट 10 मिनट पहले ही उठी थी और निकल गए, सोची पानी से धोऊंगी ना फिर मॉइस्चराइजर लगाना पड़ेगा, इस चक्कर में मैं फेस धोई भी नहीं थी और निकल गए। तो ये मुझे लगता है कल का ही काजल वाजल फैला हुआ ऐसा है जो भी है। तो पहली बार इस तरीके से मैंने वीडियो बनाया, बट चलो जो है ठीक है, नेचुरल है, और जो जो हुआ सब कुछ शेयर किया आप लोग के साथ। बोलते हैं ना कि वहाँ जाने के बाद सब ऐसे कहावत में ऐसे बोलते हैं ना, सब तीर्थ बार बार गंगा सागर एक बार। गंगा सागर का बहुत बहुत इंपॉर्टेंस है, हम लोग छोटे छोटे थे तब से सुनते हैं कि मतलब गंगा सागर नहाने से ना, ऐसा सब बोलते हैं कि सारे हमारे जो पाप होते हैं वो धुल जाते हैं। नहाई तो नहीं, क्योंकि ऐसे तो एक तो कोविड का टाइम है, बिना ऐसे चले गए थे, चले तो गए थे, बट ऐसा नहीं है ना कि नहाए या फिर क्राउड में, ऐसा कुछ क्राउड नहीं था, आप लोगों ने देखा ही जब हम लोग वहाँ पे पहुँचे थे गंगा सागर में, तो क्राउड नहीं था, आप लोगों ने देखा ही, तो कोविड में गए थे इसलिए नहाए नहीं, और वैसे भी शाम हो गई थी ना उस टाइम, और कुछ लेके नहीं गए थे कपड़े वगैरह, तो नहाए नहीं। इसलिए नेक्स्ट टाइम जब जाऊंगी ना वहाँ पे, कभी भी जाइए ना, तो इस तरीके से हमारे जैसा पागलपंती अकेले मत जाइए, क्योंकि आते टाइम बहुत मुश्किल हो जाती है, एक ही दिन में जाना और वापस लौट के आना तो लेट नाइट होगी। और अभी टाइम क्या हो रहा है दिखा रही हूँ, एक मिनट ये देखो टाइम क्या हो रहा है, अभी 12:15 हो रहा है, और हम लोग आए हुए अभी हुए 10 मिनट हुए ज़्यादा सदा, तो 12 तो बज गए ना, तो ऐसे ही देर हो जाती है। तो कभी भी जाइए तो अकेले नहीं, दो फैमिली के साथ जाना चाहिए, क्योंकि अगर कुछ प्रॉब्लम हो जाए, कुछ भी है, लेट नाइट है, इतना दूर दूर तो कोई गाड़ी नहीं, अंधेरा सुनसान इलाका, आती भी अगर गाड़ी एक दो तो ट्रक वाला आता है ना, तो बहुत डर लगता है। तो जब भी जाइए तो दो फैमिली के साथ जाइए, अगर इस तरीके से बाइक से जाते हैं तो, नहीं तो फिर तो, और जब भी जाइए एकदम सुबह सुबह उठ के जाइए, ठीक है, हमारे जैसा नहीं और खाकर चाहिए सच में भूखे प्यासे एकदम सारा दिन पूछो मत। लेकिन जो भी था अच्छा था,
इस वीडियो को एंड कर देती हूँ। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा एंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं बहुत टायर्ड हो गई हूँ, मैं नहीं सारे कोई फेस से भी दिख रहा होगा कि बहुत टायर्ड हो चुके हैं सारे लोग। बहुत तेज नींद आ रही है, सब आवारा हो चुके हैं। तो हम इस वीडियो को एंड कर देती हूँ। ओके बाय बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।